Τώρα. चलिए चलते हैं बेले के अंदर। और ये सब कुछ है बेम्बू से बनाया हुआ, जो कि ये लोग खुद बनाते हैं बड़ी मेहनत से अपने हाथों से। आज पहला दिन है तो लोग अभी आना शुरू कर रहे हैं, और कल से यहाँ पे लोग पूरा भर जाएंगे, क्योंकि कल दो दिन ही बाकी है इसीलिए। और ये लोग भी शायद कुछ बेचने हैं, इसीलिए यहाँ पे कुछ बना रहे हैं। यहाँ पे कैंप साइट भी है, महाबहु कैंप साइट। अगर कोई कैंपिंग करने आना चाहता है तो डेफिनेटली आ सकते हैं। यहाँ पे सब इंतजाम करके रखा है इन लोगों ने। चलिए अभी आपको मेले के अंदर लेके चलते हैं।
अभी मेला शुरू होने में टाइम है 1-2 घंटा, इसीलिए सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं ताकि ये लोग सब एक्सचेंज कर सके दूसरे कम्युनिटी के साथ। और यहाँ पे देखते हैं ये लोग क्या क्या लाए हैं। इनमें से सॉरी लेकिन मैं एक का भी नाम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगा। मुझे आसामीस में पता है इन सबको क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पता नहीं किसको क्या बोलते हैं। आप लोग शायद पहचान जाएंगे क्योंकि ये सब बाहर भी मिलते हैं, आप लोगों ने शायद पहले खाया होगा इन सबको। चलिए कोई नहीं, आगे जाते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या मिलते हैं हमको। चलिए अभी हम खाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको सब मिलेगा, सब कुछ, पोर्क से लेकर मछली तक। और ये है पोर्क जो कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि बिहू में मैंने बहुत खा लिया, अभी भी मेरे पेट खराब है। एक्चुअली टीवा किचन दादा ইয়াতে কি কি আছে অলপ কৈ দিব, কৈ দিবচোন অলপ। ট্ৰেডিচনেল সেই লাওপানী বুলি কোৱা যায়, হয় আপোনাৰ সেই লাওপানীটো আমাৰ এনেকুৱাকৈ একচুৱেলি ইউজ কৰা হয়, এইটো আমাৰ যেতিয়া বিয়া বাৰু তেনেকুৱা সময় হয় হয় তেনেকুৱা সময়ত মানে এইটোতে মানে গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা যায় মদৰ ব্যৱস্থাখিনি। তো সেইটো আপোনাৰ টান বুলি কয়, ইয়াতে মদখিনি আছে, হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বাঁহৰ চুঙাত ঢাল দিয়া হয়, হয় আৰু যিবিলাক জেলা যিবিলাক বয়সস্থ মানুহ সিহঁতৰ কাৰণে এটা এটাকৈ মানে লাও দিয়া যায়, হয় যিহেতু মেলাটো তিৱা জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা হৈছে সেয়েহে। তো এটা ষ্টিকত কিমান হ'ব, এটা পৰ্ক ষ্টিকত 150? আচ্ছা আচ্ছা। चलो इतना घूम लिया देख लिया तो सिर्फ एक ट्राई कर ही लेता हूँ, मछली ट्राई करता हूँ आज। और ये हो रहा है मेरा मछली तैयार। चलिए मैं एक ट्राई करता हूँ। টেষ্টি হে না, স্পাইসি। हो गया खाना, अभी थोड़ा सा फन करते हैं। चलिए इस बार मैं बजा के देखता हूँ।
हेलो। तो एक्चुअली हम घर ही जा रहे थे, लेकिन मेरे फ्रेंड ने बोला कि चलो टाइम है तो शिलोंग ही जाके आते हैं। तो हम आ गए बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्लान किए। उबियम लेक आए हैं हम यहाँ पे। उबियम लेक देख सकते हैं, उबियम बोरा पानी। बहुत बहुत सर्दी है, मतलब यहाँ पे मैं हार्ट फील ही नहीं कर पा रहा हूँ अपना। लकीली मैंने एक डो स्वेटर पहना था, इसीलिए मैं बच गया। नहीं तो आज पक्का मेरा आज लगने वाला था। लेकिन आ ही गया तो आप लोग को उमियाम लेके देख के ही लेके जाएंगे। तो चलो चलते हैं उमियाम लेक। ये देखिए उमियाम लेक, कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना ठंड है। अभी 4 बज गए। आ गए हम उबियम लेक ऑर्किड रिजॉर्ट। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन बहुत मतलब टाइम हो गया है तो मुझे अभी याद नहीं है क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड, बहुत हार्ड। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत हार्ड। तो देखिए आप उबियम लेक का नजारा। हमें आते आते काफ़ी देर हो गया, नहीं तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं आप लोग। अभी तो 5 बज गया, 5 बजे कौन बोटिंग करेगा हमें इतने ठंड में। फिर भी बहुत अच्छा लगा, ये कम्प्लीटली अनप्लान मतलब ट्रिप था, ट्रिप नहीं क्या बोल सकते इसको, जो भी हो लेकिन अच्छा लगा बहुत। हमारा पार्टनर हमें मिल गया उबियम लेक का पार्टनर। चलो पार्टनर चलते हैं। कम ऑन। ओए कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हम है ना, अच्छा कम ऑन। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आप सबको जुनबिल वेला और उबियम लेक का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। उबियम लेक का ये ब्लॉग सच में बहुत अच्छा लगा आज का दिन। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।